ये हो गया मटन कीमा कलेजी, और देखने में बहुत शानदार सा लग रहा है। गुर्दा भी है, कलेजी भी है, और कीमा भी काफी अच्छे क्वांटिटी में दिख रहा है। हो गया मटन स्टू, जिसका की सबसे ज्यादा डिमांड रहता है, सबसे ज्यादा यही बिकता है। जन्म कर्म ही है, जन्म से ही पे है। अच्छा, और क्या बनाते हैं आप? मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, चावल, दाल। रुपए। और ये देखिए 7 रुपए का तंदूरी रोटी, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइएगा 15 रुपए से कम तंदूरी रोटी नहीं होता है। ये सिर्फ 7 रुपए का तंदूरी रोटी, और ये 30 रुपए का जो है मटन है। मीट के तरी में जो है ना अंडा शुरू से बिकता है, शुरू से यही सिस्टम है। ये मेरा मकान हुआ कंकरबाग में। एक नंबर खाना है आपका मकान इधर ही है। बहुत ही आज एक्सक्लूसिव सा कंटेंट लेकर आए हैं। फिलहाल हम लोग हैं दानापुर में, और एक्सप्लोर करने वाले हैं एक मतलब बेहद पुराने से होटल को, जिसका कि नाम है तंदूरी होटल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं दानापुर में। दानापुर में एग्जैक्ट लोकेशन जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे में साधु होटल है, उसके जस्ट पहले ये होटल है। बेहद पुराना, बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो होता है अंदर में। हम लोग देख के भी आए, मतलब बहुत बार कोशिश किए हैं यहाँ आने का, वीडियो बनाने का। इतना भीड़ होता है कि बना नहीं पाते थे। आज आए हैं कि फटाफट से बनाए दिखाएं, क्योंकि थोड़ा सुबह का टाइम है, खाली है। लोकेशन हम पूछ के आपको बताते हैं। बाहर का जो लुक वुक है आप देख सकते हैं, हम छोटा सा है, पुराना सा ये ढांचा है, और उधर जो एक सब्सक्राइबर मिले हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर, एग्जैक्ट लोकेशन उनसे पूछते हैं, हल्का सा अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाएंगे, खाएंगे, टेस्ट करके बताएंगे। मेकिंग वेकिंग वो सब कुछ आज यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बिजी होता है। ये लोकेशन क्या बताते हैं यहाँ का? यहाँ दानापुर मेन बस स्टैंड के बगल में तंदूरी होटल। बस स्टैंड के बगल में तंदूरी होटल, और यहाँ जो आपके भैया है वो बैठते हैं? हाँ भैया है, वो बैठते हैं। वो जो मेन ओनर है वो आए नहीं है? हाँ वे आएंगे आधा घंटा में। मेन्यू वगैरह जो है वो आपके सामने है, इधर लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। और तंदूरी होटल नाम है, तो तंदूरी रोटी जहाँ तक हमको लगता है कि फेमस होगा यहाँ, क्योंकि देख रहे हैं कि लोग तंदूरी रोटी और मटन जो है खा रहे हैं। मटन के लिए फेमस है तंदूरी रोटी, मटन तंदूरी रोटी, मटन चावल। सारा जो आप सीट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा सीट ऑक्यूपाइड है। इधर भी जो है टेबल, उधर भी जो है टेबल। इधर कुछ लोग वेज खाना खा रहे हैं, और उधर जो है लोग खा रहे हैं मटन और तंदूरी रोटी। कैसा लग रहा है भैया टेस्ट यहाँ का? यहाँ का टेस्ट तो सही है। आप मतलब रेगुलरली खाते हैं पहली बार? नहीं, कभी कभी इधर आते हैं तो खा लेते हैं। इधर कहीं रहने वाले हैं? हाँ इधर कहीं रहने, गोला रोड का। गोला रोड के हैं। टेस्ट बढ़िया लगता है? हाँ टेस्ट यहाँ का बढ़िया है। चलिए आप इंजॉय कीजिए, थैंक यू। तो अभी हम लोग चलते हैं जो इनका किचन वाला एरिया है, और आपको कुछ खाना वाना जो है वो दिखाते हैं। ये जो पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हैं बहुत पुराना सा है, साथ ही साथ जो वर्कर लोग हैं ये भी शुरू से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम हो भाई आपका? राजू प्रसाद। और आप मतलब कितने दिन से है यहाँ? यहाँ जन्म कर्म ही है। जन्म से यहीं पे है? हाँ। अच्छा, और क्या बनाते हैं आप? मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, चावल, दाल। मतलब सबके स्पेशलिस्ट आप ही हैं? हाँ। जरा एक बार दिखा दीजिएगा सब चीज़। इधर जो है आप देख सकते हैं कि सारा आइटम जो है बन रहा है, कोयले के आँच पे सब कुछ बन रहा है। ये क्या हो गया भैया? आलू परवल का सब्जी। ये हो गया आपका आलू परवल का सब्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया मटन कीमा कलेजी, और देखने में बहुत शानदार सा लग रहा है। गुर्दा भी है, कलेजी भी, और कीमा भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में दिख रहा है। कीमा भी इसमें पूरा डाला गया है। ये सब आप ही बनाए कीमा कलेजी सबको? सब। ये क्या हो गया? वो पनीर मटर। ये हो गया मटर पनीर। इधर क्या हो गया? पालक पनीर। वाह वाह, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों बराबर बराबर है। कीमा कलेजी। इधर ये क्या हो गया? वो चिकन है। ये हो गया चिकन। ये चिकन पूरा बड़ा बड़ा पीस रहता है। ये तो अंडा करी है, उसमें डाला जाता है अंडे का, अंडे भी होता है। अच्छा, इसमें मटन और अंडा दोनों मिक्स है? हाँ। अच्छा, तो मटन मीट के तरी में जो है ना अंडा शुरू से बिकता है, शुरू से यही सिस्टम है, मटन के तरी में अंडा बिकता है। हाँ। और इधर बाहर में ये क्या हो गया? ये हो गया मटन स्टू, जिसका की सबसे ज्यादा डिमांड रहता है। हाँ। सबसे ज्यादा यही बिकता है। हाँ। देख रहे हैं कि एकदम बड़ा बड़ा जो है गोलकी इसमें दिख रहा है, खड़ा खड़ा जो गोलकी है वो दिख रहा है। कोई खास रंग वंग नहीं है, एकदम सिंपल सा बनाया गया है। और सबसे पॉपुलर आइटम यहाँ शुरू से इसी तरीके से बनता आया है, कोयले के आँच पे बनता आया है। मटन हो, चिकन हो, जो आइटम हो, और 3 पीस का सिस्टम होता है। एक प्लेट में ऐसा ऐसा 3 पीस जो है वो जाता है। ये हाफ हुआ, ये हाफ हो गया, ये अंडा करी का हाफ हो गया। साथ में उधर जो है निकल गया है चावल, और तंदूरी रोटी कंटिन्यूअसली बनते रहता है। कलेजी फ्राई का ऑर्डर, तो उसका सिस्टम यही है कि हल्का सा मसाला जो है वो डाले, जरा सा जो ग्रेवी है वो डाले, और उसके बाद इसमें से लेंगे कलेजी वलेजी और उसको डालेंगे। कलेजी भी है, साथ ही साथ जो है मटन का गुर्दा भी है, दोनों चीज़ है, और प्लस कीमा भी है इसमें। जितने भी कारीगर लोग हैं भैया, सब मतलब शुरू से ही बचपन से यहीं पर है? ये हमारा गोतिया का दुकान हुआ। अच्छा, आपका दुकान भी गोतिया का है। ये हाफ कीमा कलेजी हो गया।
कलेजी फ्राई बन रहा है, कीमा कलेजी भी है ना? हाँ, तो इसमें अच्छा इसमें से निकाल कर ग्रेवी है, वही देखकर फ्राई करके दिया। कीमा कलेजी होता था, आप ये वाला ग्रेवी देते हैं? हाँ, खाली कलेजी है इसलिए अलग से ग्रेवी डाले। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, कीमा कलेजी भी, सिर्फ कलेजी भी। ये हाफ प्लेट कीमा कलेजी जो है हो गया तैयार, सॉरी कीमा कलेजी नहीं, सिर्फ कलेजी जो है वो हो गया तैयार। हम लोग भी कुछ ट्राई करेंगे, कीमा वीमा जो है वो लेंगे, वो ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इधर जो है ये हम निकाला जा रहा है मटन स्टू, तब हम लोग भी चलते हैं बाहर, निकलवाते हैं और टेस्ट करके आपको टेस्ट बताते हैं। यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और इधर जो है मटन स्टू ऑलरेडी तैयार है, मटन स्टू को निकाला जा रहा है। क्वार्टर प्लेट होता है, क्वार्टर या हाफ प्लेट होता है, जिसमें कि तीन पीस ऐसा ऐसा मिलता है। इधर देख सकते हैं कि सारा मेन्यू है, यहाँ कोई आपको हाथ में मेन्यू नहीं मिलने वाला, इस तरह से दीवार पे ये बना हुआ है। आइए खुद पढ़िए, ऑर्डर दीजिए। सारा रेट वेट जो आपके सामने है, 90 रुपये में 3 पीस मटन मिलता है और 180 रुपये में 6 पीस मिलता है। साथ ही साथ हम लोग कीमा कलेजी भी लेने वाले हैं जो कि 100 रुपये में मिलेगा 6 पीस। मेन्यू में फुल का रेट है, हाफ भी अवेलेबल है 100 रुपये में 6 पीस। तो हम लोग 190 रुपये का ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें कि 6 पीस कलेजी, कीमा कलेजी और 3 पीस मटन स्टू मिलेगा, साथ में खाएंगे तंदूरी रोटी। अब हम लोग आके बाहर बैठ चुके हैं टेबल पर और समझ लीजिए एक तरह का विंटेज होटल है ये, और इस जगह का मतलब वीडियो बनाने का कोशिश पिछले 2 साल से हम कर रहे थे। जो मेन ओनर है यहाँ के, उनका एज थोड़ा ज़्यादा है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं क्या होता है। भीड़ भीड़ होता था तो वो बोलते थे कि नहीं हम लोग को नहीं बनवाना है, डरते थे कि क्या होगा नहीं होगा। आज जो उनके छोटे भाई थे हम देखें तो उनको लगा कि बन सकता है आज, इसलिए बात करके जुगाड़ करके फटाफट से बनाए हैं। जो वर्कर लोग हैं सब पुराने पुराने हैं, उम्र आप देख ही रहे होंगे हर किसी का, तो लोग को पता ही नहीं ये सब चीज़ होता क्या। ये भी एक समस्या है इस फील्ड का, लोग को लगता है कि बहुत ईजी है, आए खाएँ बनाएँ। पिछले 2-2.5 साल से ट्राई कर रहे थे कि जगह को कवर करो, हम भी सोच रहे थे जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे खाएंगे भी नहीं आगे खाना। आज जो है फाइनली बैठ के टेस्ट करने वाले हैं, टेस्ट आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि देख रहे हैं लोग बहुत मन से खा रहे हैं, मतलब 11 बज रहा है, खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी भी लोग बहुत मन से खा रहे हैं, हर जगह बढ़ा हुआ है। और जब हम शाम के वक्त आए थे, दिन के मेन जो लंच आवर उसमें आए थे, एक्सेस क्राउड, सारा जो सीट है भरा, सारा टेबल भरा, एक्सेस क्राउड। अभी थोड़ा खाली है 11 बजे। और ये देखिए बात करते करते जो हमारा खाना है वो आ गया, ये हो गया मटन स्टू, ये हो गया तंदूरी रोटी और कीमा कलेजी भी है हाफ, और साथ में हम लोग मंगवाए कीमा कलेजी। अंकल आपको कैसा लग रहा है खाना? ना ना ठीक है। क्या खाना कैसा लग रहा है? ना ठीक है, बहुत अच्छा है। आप मतलब खाते रहते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा हमेशा। देख रहे हैं कीमा कलेजी और चावल खा रहे हैं? नहीं ना, ठीक ठीक है, खाइए खाइए, इंजॉय कीजिए आप। चलिए ये आ गया कीमा कलेजी भी, बहुत सही, सिर्फ 100 रुपये का कीमा कलेजी और 90 रुपये का मटन। मतलब 90 रुपये में आप देख सकते हैं 3 पीस मटन, 30 रुपये पर पीस मटन मिल रहा है यहाँ। इससे सस्ता हमको नहीं लगता कि पटना में हम लोग कभी भी कवर किए होंगे, 30 रुपये वाला मटन, इससे सस्ता क्या होगा। रोटी का रेट, रोटी का क्या रेट है भैया? एक रोटी का 7 रुपये। और ये देखिए 7 रुपये का तंदूरी रोटी, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाइएगा 15 रुपये का कम तंदूरी रोटी नहीं होता है। ये सिर्फ 7 रुपये का तंदूरी रोटी और ये 30 रुपये का जो है मटन है पर पीस। ये मेरा मकान, मेरा मकान हुआ कंकरबाग में। हाँ, एक नंबर खाना है आपका मकान, इधर ही है? अच्छा, हम लोग दिग्घा में आपका मकान है, कंकरबाग से हम लोग यहाँ आए खाने के लिए। खाना एक नंबर है, एक नंबर खाना है। नहीं, हम भी बहुत सुने थे, बहुत तारीफ सुने थे इस जगह का। सबसे पहले ट्राई करते हैं तंदूरी रोटी के साथ ये कीमा कलेजी, और इस तरह का प्लेट आपको दिल्ली उल्ली में देखने को मिलेगा। हम लोग दिल्ली का शूट करते थे तो इस तरह का तंदूरी रोटी और कीमा कलेजी ये सब मिलता था। पटना में बहुत कम जगह आपको इस तरह का ढाबा में या होटल में ऐसा कॉन्सेप्ट मिले, हर जगह तवा रोटी होता है। हाँ, रेट तो बहुत सस्ता है। कीमा के साथ ट्राई करते हैं तंदूरी रोटी। टेस्ट में बात है, दम है। अब ट्राई करते हैं कलेजी के साथ, ये डालते हैं ऊपर थोड़ा सा प्याज, अब ट्राई करते हैं। जोर स्वाद, एक नंबर स्वाद, मसालेदार, तीखा 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 है जो ग्रेवी है ना, एकदम तीखा तीखा है, जबरदस्त स्वाद है, बेजोड़ स्वाद। कीमा का पूरा फील मिलेगा आपको, कहने के लिए सिर्फ कीमा नहीं, एक्चुअल में कीमा का फील मिलेगा। तीखा है, मसालेदार है, एकदम पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। आप सर भर दीजिए पानी, आप धन्यवाद। पानी वानी भी लाके भैया दे रहे हैं, बहुत सही स्वाद लगा, मज़ा आ गया।
कोई मसाला हावी नहीं है, तीखापन बस हावी है, बाकी सब मसाला बैलेंस में है, तीखा जो है ज़रा सा ज़्यादा है, मज़ा आ गया। अब ट्राई करते हैं ये मटन को, हमको तो बिलीव नहीं हो रहा है ये साइज का पीस कैसे 30 रुपये में मिल रहा है। ये देखिए 30 रुपये में ये साइज का पीस मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह का खड़ा खड़ा जो गोलकी है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए भरा पड़ा है ज़्यादा गोलकी जो है, खड़ा खड़ा गोलकी, खड़ा खड़ा ये लाल मिर्च, तो सारा जो खड़ा मसाला है उसे यूज़ करके बनाते हैं सीधे ये पीस को। तो ओ हो ये देखिए एकदम बेहद नाजुक, बेहद मुलायम, बेहद कोमल, आहा इतना सॉफ्ट सा मटन, मटन हमको ठीक ठाक सा लगा, हमको प्याज ज़रा ज़्यादा लगा इसमें, प्याज का हमको ज़रा सा इसमें मिठास लगा, मटन तो वैसे सॉफ्ट है लेकिन ज़रा सा तो है प्याज का हमको मिठास लग रहा है, प्याज थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा है कि यूज़ किया गया है, ये मटन ऐसे आसानी से टूट रहा है तो मटन के सॉफ्टनेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं ना कि ज़रा सा इस पर लेते हैं ये कीमा वाला ग्रेवी, ये डालते हैं इस पर, ये आ गया। अब डालते हैं थोड़ा सा प्याज, हाँ अब करते हैं इसको ट्राई। अब जाके सही लगा, आउट ऑफ द बॉक्स हमको मटन नहीं लगा, मीठापन थोड़ा लगा, प्याज का यूज़ ज़्यादा लगा। अब देख भी रहा हूँ ग्रेवी में आपको प्याज दिख रहा होगा, कच्चा प्याज मतलब वो बहुत अच्छे से पका हुआ गला हुआ प्याज नहीं, कच्चा प्याज का जो फील है वो आ रहा है, तो ये ज़रा सा मीठा है, ये जो है परफेक्ट। करते वीडियो कॉमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर इस जगह के बारे में आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है कम रेट में खाना खाना है तो यहाँ आइए खा के जाइए। खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।